नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव है और शायद नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में हो सकते हैं। वहां पर एक अलग खेला चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जनता की तो मांग है कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी के जो पहले से नेता है यानी कि भाजपा के, उनका कहना है कि एक बगावत करके आया वहाँ नेता, उसको सीएम कैसे बनाया जा सकता है इतनी जल्दी। अब सीए बात भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठाता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनना था कांग्रेस में और उन्हें नहीं बनाया गया, उसी बात की वजह से उन्होंने बगावत की और जब वो मध्य प्रदेश में ही यानी कि भाजपा में आए तो उन्होंने सीएम बनने की मांग रखी ही नहीं, उनको उड्डयन मंत्री का पद दे दिया गया और वो उसी से खुशी खुशी दिखाई देने लगे। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो सीएम बनने की जो लगातार जानकारियां सामने आ रही है कि शायद सिंधिया को आगे किया जा सकता है, तो उसको लेकर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। अब माना यह जा रहा है कि शायद कांग्रेस तो नहीं लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर्चे जो खोलती नजर आ रही है वो कांग्रेस और बीजेपी और खास करके आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होते हुए नजर आएंगे। अब आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो वो तस्वीर सबने देखी थी गुजरात में कि किस तरीके से जो 77 सीटें पाई थी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस बार आने की वजह से कांग्रेस वो सीटें भी नहीं जीत पाई। यानी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी चाहती कि जब आमना सामना हो बीजेपी और आपका हो, ना कि कांग्रेस का। अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को शायद सीएम बनाने की दावेदारी पेश कर सकती है बीजेपी। और यहां पर यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चुनावी तौर पर देखा जाए तो यह आखिरी बार रहेगा शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनना, तो कहीं ना कहीं सिंधिया भी इस बात के लिए राजी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ रुख किया जाए तो उनके पास कमलनाथ के अलावा कोई और चेहरा है ही नहीं, तो इसलिए कमलनाथ पे ही दांव लगाने की बात की जा रही है। कमलनाथ अलग अलग एरिया में जाके यहाँ पे रैलियां जनसंबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कांग्रेस में हैं लेकिन वो पायलट का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, अब जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई। इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर साफ तौर पे कि बीजेपी पार्टी को अच्छा खासा साथ मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में अभी भी सिंधिया भक्त है। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए है और एक पूर्व एमएलए है जो यहाँ पर सिंधिया के साथ आना चाहते हैं, और वो लोग अगर बीजेपी में आते हैं तो कहीं ना कहीं वही लोग मदद कर सकते हैं सिंधिया के सीएम बनने की। अब ये बातें तो बार बार यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन देखा जाए यहाँ पर जब चुनाव हुए थे पिछली बार तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा कदम उठाया, क्योंकि सिंधिया ने पार्टी को लगभग 14 से 16 साल दिए हैं और इस तरीके का धोखा मिलना ये सिंधिया से सहन नहीं हुआ। सिंधिया लगातार बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते थे, पीएम मोदी को लेकर लगातार अपनी बातें रखते थे, लगातार उन पर निशाना साधते थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि यहाँ पर मुझे अपनी राय रखनी चाहिए तब कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंधिया ने बगावत की और बीजेपी में आ गए। लेकिन चलिए इस खास प्रोग्राम में आपको आगे की जानकारी भी देंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसका साथ मिलेगा और क्या माना जाए साफ तौर पे कि यहाँ पर सिंधिया को वो साथ मिलते हैं वो उनके जो सीएम बनने की राय वो बहुत आसान होती नजर आएगी, और अगर शिवराज सिंह चौहान को आगे भी कर देती है पार्टी तो सिंधिया उस बात से भी राजी होते नजर आएंगे। तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। चलिए आगे बताते चले तो भिंड जिले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सिंधिया परिवार की तारीफ में कसीदे पढ़े कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्मा गया है, कांग्रेस के बड़े नेता चौकन्ने हो गए हैं, पार्टी में रहकर अभी भी सिंधिया के प्रति भक्ति रखने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, अंचल में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंबल इलाके के एक कांग्रेस विधायक और एक पूर्व विधायक सिंधिया के संपर्क में हैं। अब देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंबे अरसे बाद एक बार फिर चंबल इलाके में दस्तक दी, वे कांग्रेस में हलचल मचाए। कांग्रेस भिंड जिले के दौरे पर पहुंचे थे, यहां उन्होंने ऊर्जा विभाग से जुड़े कुछ कामों का शिलान्यास किया, फिर परिवार से जुड़े पूर्व विधायक हरि सिंह नरवारिया के गाँव पहुंचे। नरवारिया माधव राव सिंधिया के काफी करीबी थे, उन्होंने 1990 में उन्हें सरकारी नौकरी छुड़वा कर भिंड की महगांव विधानसभा सीट से चुनाव दिया, टिकट दिया, वे जीते भी थे। हालांकि इसके बाद उन्हें टिकट तो मिला लेकिन जीते नहीं। अब देखा जाए तो उन्होंने लंबे समय तक महल में अपना जनसंपर्क अधिकारी बनाकर रखा, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने भी खुद को समेट लिया था। फिर तीन साल पहले कोरोना की चपेट में आने से उनका निधन हो गया था।
सिंधिया विगत दिनों उनके गांव में लगाई उनकी प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल भी पहुंचे थे। वे भी लंबे समय से सिंधिया परिवार के नजदीक हैं। हालांकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी का दामन थामा तो बघेल उनके साथ नहीं आए। प्रतिमा अनावरण मंच पर बघेल को भी बोलने का मौका मिला। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस मेरी विचारधारा है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी शक्ति मुझे मेरी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती, लेकिन महाराज मेरे दिल में रहेंगे। इस खानदान ने मुझे बढ़ाया है और बड़े महाराज ने मुझे अध्यक्ष बनाया और टिकट दिया। इस मौके का फायदा उठाने में सिंधिया भी चूके नहीं। उन्होंने बघेल की बात मुस्कुराते हुए सुनी। जब उनका बोलने का मौका आया तो उन्होंने देखा गया यहाँ पर कि कहा कि जय श्री राम बघेल भले ही उधर रह गए हैं लेकिन अब भी मेरे हैं। ये दिल का रिश्ता होता है। मैंने कांग्रेस और बीजेपी को एक कर दिया इस मंच पर। जय श्री राम और सिंधिया का यह संवाद सुनकर वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं के चेहरे की हवाइयां भी उड़ती नजर आई। अब जय श्री राम बघेल को नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह का विरोधी माना जाता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहते दोनों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान देकर पार्टी को मुसीबत में डालते रहते हैं। उपचुनाव में राकेश चौधरी मेहगांव में पार्टी प्रत्याशी बनना चाह रहे थे। उनकी दावेदारी मजबूत भी थी लेकिन बघेल ने खुली चेतावनी दे दी थी ऐसा हुआ तो वे इस्तीफा देकर खुद मैदान में उतर जाएंगे। उनके कहने पर भी पार्टी ने अटेर से विधायक रहे हेमंत कटारे को मेहगांव से उतारा और वे हार गए। अब भिंड दौरे के समय मंच पर बघेल और सिंधिया द्वारा अपने उद्बोधन के जरिए हुए संवाद में एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस में रह गए सिंधिया समर्थकों को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। कयास ये भी है कि सिंधिया अपने पूर्व समर्थक मौजूदा विधायक पर डोरे डाल रहे हैं। एक पूर्व विधायक भी सिंधिया से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। वे कांग्रेस की जगह सिंधिया से टिकट चाहते हैं लेकिन इसके लिए सिंधिया को अपने ही समर्थक विधायक का टिकट भी काटना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें सीएम बनना है लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी शायद उन्हें मौका देती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार यही जानकारियां सामने आ रही है कि सिंधिया को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद बीजेपी पार्टी यहाँ पर एक बार आती नजर आएगी। क्योंकि अगर पिछली बारी की बात की जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस जीती थी और यहाँ पर यह भी देखा गया था कि बीजेपी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए इस बीच जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 200 सालों से सिंधिया और दिग्विजय के परिवार की दुश्मनी चल रही है। साल 2006 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते एमपी की राजनीति में ये दिग्गी हुए थे और 2018 में दिग्विजय की सियासी चाल में फंसकर सीएम पद से दूर रह गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1993 में जब दिग्विजय सिंह पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब माधवराव सिंधिया भी इस पद के दावेदारों में शामिल थे। अर्जुन सिंह के समर्थन से दिग्विजय सीएम बने थे। माधवराव को खुद के मुख्यमंत्री नहीं बनने से इस बात का दुख था और दिग्विजय इस पद पर काबिज हो गए थे। यानी कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ही बन पाए थे। अब कहा यह जा रहा है कि 2002 में सिंधिया की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद भी जारी रहा था ये सब कुछ। 2006 में देखने को मिला था जब सिंधिया के पहले दिग्विजय को एमपी की राजनीति से दूर होना पड़ा था और अब जो लड़ाई है वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि कमलनाथ को एक बार फिर से सीएम पद के लिए आगे कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश ने जिस तरीके से कहा था कि सिंधिया कोई भगवान नहीं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा तो जीता, लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब कुछ ऐसे नेता है जो साथ जा सकते हैं सिंधिया के।